लगातार हो रही बारिश ने देवघर में लोगों को घरों में कैद कर दिया है। सड़कें सुनसान पड़ी हैं। कुछ सड़कों पर लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन्हें बेहद जरूरी काम है वही बाहर निकल रहे हैं। दरअसल देवघर के आसपास नदी नाले तालाब में पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। जगह जगह बने गड्ढे जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को राह चलते कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। देवघर में लगातार दो दिनों से लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी मैं इस वक्त देवघर के और जसीडी के मुख्य मार्ग में जो एक नदी पड़ता है वो डड़वा नदी, मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, सभी नदी नाले और जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है, अगर कोई व्यक्ति इसमें बहाव में अगर बहता है तो वो उसको बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, अगर हालांकि नदी नाले तो जलमग्न हुए हैं, लेकिन जो शहर के अंदर जो घर हैं, इवन घरों में भी पानी घुस आया है। इस रिपोर्ट के जरिए भी आपने देखा कि किस तरह लोग फर्श के ऊपर पानी का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। और ये तस्वीर है देवघर में, लगातार अब कितने दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती है, अगर इसी तरह बदस्तूर बारिश का होना जारी रहा तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। देवघर से लगातार डॉटिन के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार डॉट इन के साथ।